एक दादी ली है हमारी, कैसे ली है इसको? इसको है वही 400 रुपये पाव में ली हूँ, छाता छाता वाले को 400 रुपये पाव, तो 1800 रुपये किलो हुआ। सबको खाएंगे मेरी दादी कह रही है सबको खाएंगे। आपका क्या नाम है? हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। लास्ट ब्लॉग देखे होंगे, मेरी दादी आई है और मेरी दादी और मैं जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, और बच्चे लोग के साथ अभी मैं खेल रही थी कि दादी जो जो भी चिल्लाने लगी मुझे कि मार्केट लेकर चलो मुझे लेने के लिए सबसे महंगा सब्जी जो अभी मार्केट में अवेलेबल है उसी को खरीदने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरी दादी बहुत सारा पैसा लेके आई है गांव से तो खर्चा करवाते हैं। बोलूँ कि मुझे ये खाना है वो खाना है, देखते हैं क्या क्या खरीदती है मेरे लिए वो। तो मेरी वाइट ब्यूटी रेडी हो गई है चलने के लिए। बाय गाइस, टाटा। दादी के साथ चल रहे हैं। कितना पैसा रखी है? 10,000। बट देखना पैर रखने वाला नहीं है ना दादा। अभी लगेगा, अभी आया नहीं है मार्केट में। दादी और मैं मार्केट जा रहे हैं, जो अभी सबसे महंगी सब्जी चल रही है मार्केट में। कौन सा सब्जी चल रहा है? पुटू। दादी पुटू खिलाएगी मेरे को, यहाँ अंबिकापुर में आई है बहुत दिनों बाद हमारे घर में, तो पुटू सब्जी लेने जा रहे हैं हम लोग, आज बनाएंगे और खाएंगे और मेरे को बहुत सारा खिलाएगी आज मार्केट में, नहीं पता क्या क्या खिलाएगी है ना, क्योंकि मेरी दादी है ये। चलते हैं हम लोग फोटो लेने के लिए, तो अभी वीडियो अपलोड कर लेती हूँ अभी, फिर उसके बाद मार्केट चलते हैं। 5 बजने वाला है और काफी मौसम आप लोग देख सकते हैं एकदम ब्लैक कर दिया है चारों ओर, हम लोग बारिश में फंस ना जाएं इसलिए यहाँ पे थोड़ी देर स्टे कर रहे हैं। भैया मिल गए हैं, क्या नाम है आपका? अशोक जी। देखिए बहुत जोर से बारिश होने वाली है, बारिश बहुत तूफान आ रहा है, मौसम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा खराब मौसम है, ये भी अपने घरों में घुस जाए। घरों में घुस जाए तो आप बाहर क्यों निकले हैं? हम तो कुछ नहीं होगा, हम लोग पुलिस वाले हैं ऐसा। अच्छा आप हम लोग की रक्षा करेंगे? हाँ। तो फर्स्ट टाइम भैया मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा लगा इनसे मिलके, ये पूछे कि आप यूट्यूबर हैं तो बताइए अपना चैनल का नाम बताइए, अपना भी नाम बताइए, तो आप देखिएगा वीडियो, ठीक है? हाँ। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद। आप सी अभी चल रहे हैं यहाँ से, मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया है, बारिश में अगर भीग जाएंगे तो दादी को बोलूंगी कि ऑटो चला रहे रुक रहे। सो फाइनली आकाशवाणी चौक के पास अपन पहुंच गए हैं। चलना इतना सारा तो है, देख ले। कैसे दिया थे? तो फाइनली अभी इसको ले रहे हैं, सफेद वाला है ना? हाँ। कहाँ से लाए हैं उठा के? मुर्गा। मुर्गा बूढ़ा उठा तो नहीं है ना? है? नहीं है। अरे आराम से लड़का ऐसा। एक दादी ली है हमारी, कैसे ली है इसको? इसको है वही 400 रुपये पाव में ली हूँ, छाता छाता वाले को 400 रुपये पाव, तो 1800 रुपये किलो हुआ। ये वाला 500 रुपये पाव। हे भगवान, ये 500 रुपये पाव है ये, ये पूरा बंडल एक कितने का है? वजन करना पड़ेगा, वजन करना पड़ेगा। तो मेरी दादी सबसे ले रही हैं, कितना कितना ले रही हैं? एक पाले हैं आधा किलो। तो किसको किसके लिए ले रही है? सबको खाएंगे मेरी दादी कह रही है सबको खाएंगे। अरे मेरी दादी लड़ाई कर ले रही है भैया से, तो मेरी दादी का रिएक्शन देखते हैं, अभी पूछने वाली है ये। पाँच सौ रुपए पाव तो हुआ, 500 रुपए पाव का होता है 2000 रुपए किलो, तो वो पतेरी बिक रहा है 2000 रुपए किलो में, और सबसे पूरा महंगा महंगा सब्जी हम खरीद के लेकर जा रहे हैं यहाँ से। ले तो लिए है वही भाव, 100 रुपये पाव। एक दीदी सामने कह रही हैं ये तो जानते हैं इनको, कंचन दवान के नाम से हैं। हाँ हाँ जी, आपका क्या नाम है? अच्छा तो मेरे को लगा कि मैं कहीं
मिली है हमारी दीदी से। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? कल्याणपुर। इधर होता है ना कल्याणपुर? वाटर पार्क का उधर आगे खरीदे की नहीं पुटू? नहीं जा रहे सबका रेट सुन सुन के सब पागल हो गए हैं। इतना महंगा महंगा सब्जी, सबसे अच्छा है सोयाबीन खाओ। चल आगे चल, ठीक है खरीदारी करें। ठीक टाटा। मेरी दादी मेरे को 500 रुपए किलो। अरे ये क्या है, इसको तो मैं भूल गई, बच्चों ने बहुत खाती थी मैं करौंदा। यार दादी कैसे पहचान रहे मेरे को? तो भी मक्का ले रही हूँ, मक्का 20 रुपया। खरीदारी कर लिए हैं हम लोग 400। गाड़ी मेरा ये रहा, चार सब्जी लिए हैं, टोटल हो गया है हम लोग का 500 रुपया तो हो ही गया होगा ना, 500 रुपया खत्म दो सब्जी में। अभी आ गए हैं गांधीनगर के बाजार में और यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ। केला, छोटा वाला जो देसी केला होता है के, साई कॉलेज के पास मिलेगा। तो फाइनली घर आ गए हैं, भीग गए थोड़ी सी लिए ही घर। यहाँ जैसे पहुंचने वाले थे बारिश खूब तेज होने लगी और दादी निकाल रही है जो लेकर आई है मार्केट से, नहीं पता 4-5 लोगों से खरीदी है, कितना सारा खरीद ली है, काफी सारा ली, वो तो आधा किलो है। और ये मेरा फेवरेट मक्का और ये खीरा खाऊंगी जो मैं ढूंढ रही थी, केला नहीं मिला मार्केट में। और यार प्रसाद कहाँ? का भुनने का सही तरीका, अगर आप इस तरीके से आप भुनेंगे तो आपको लकड़ी का भुना हुआ जैसा लगेगा। तो हमारे घर में हम लोग ऐसे ही भूनते हैं। कुटू धो अच्छा है, खा ले जो अपर मजा थे, छोड़ाए ना अपर मजा थे। और मैं खा रही हूँ मक्का, मेरा फेवरेट, मेरी दादी ली है मेरे लिए। तो अभी सूत्रों से पता चला है हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं, वो भी सूरजपुर से। कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, वो अभी आप लोग को दिखाएंगे। और हम लोग खा रहे हैं मक्का और दादी भी खा रही है ना। ये ना कितना पीस खाई पता है, अभी ये तीसरा राउंड है इसका। दोर ये तीन धार खाए धारी से मेरे को आधा दिया था। अरे जिसकी बात कर रहे थे वो पहुंच चुकी है हमारे घर पे, प्रस्थान कर ली है। दूसरा मैं भी हूँ, सबसे बड़ी दीदी, पूरी खानदान की सबसे बड़ी दीदी। मिलो, ये है ईशु, सूरजपुर से आ रही है, बारिश में भीग गई। कैसे भीग गई तुम? भीग गई, बारिश हो रहा बहुत ज्यादा। लो मक्का खाओ, नहीं खाओगी तो बड़े लोग उठ लो, नहीं खाते हो भाई, तुम लोग पॉपकॉर्न खाते हो नहीं, लोग मक्का खाते हैं, गरीब लोग, कंचन दिवंग गरीब है, कंचन दिवंग मक्का खाती है, तुम लोग सूरजपुर से आ रहे हो, ये लोग स्वीट कॉर्न खाते हैं, स्वीट कॉर्न और पॉपकॉर्न खाते हैं ना। पानी बदली झरिया में घर ही रहती। सूरजपुर से आ गई हैं, जानी मानी अभी सब्जी बना रहे हैं मौसी और मम्मी मिल के साथ में। ये हमारा पुटू का सब्जी, खाना बना रहे हैं इन लोगों को देखो, दादी मौसी मम्मी और ये देखो ऐसे कॉमेडियन है मेरे घर में, मम्मी नाच रही है अपने सास के सामने, बताओ भला। टाइम हो रहा है अभी 8:30 और जा रहे हैं खाना खाने के लिए, इसलिए खा रहे हैं क्योंकि कल मॉर्निंग में पूरी फैमिली कहीं जाने वाली है। और मेरा आ गया है खाना, ये देखो दलिया और मशरूम और ये भाजा। खाना खा ली हूँ और घर के सभी लोग खाना खा लिए हैं। समय हो रहा है 9:30 और जल्दी सो रहे हैं क्योंकि कल मॉर्निंग में उचेरा धाम जाने वाले हैं। मम्मी पापा दादी मौसी उनके बच्चे, मैं नहीं जा रही हूँ,
क्योंकि मैं पिछले सोमवार गई थी और घर में भी होना होता है, घर में कोई नहीं होता है, तो इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, मैं और भाई नहीं जा रहे हैं। तो मम्मी लोग मंडे को वापस आएंगे घर नाइट 11 बजे। तो वीडियो को यहीं तक रख दी हूँ। वंस अगेन वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।